कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाला पकड़ा गया। कान्हा नेशनल पार्क की मुक्की गेट से लगे कुछ रिजोर्ट में पहले कर्मचारी रखे अनूपपुर निवासी अजय कुमार गर्ग को बाहर पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह फर्जी तरीके से कान्हा नेशनल पार्क की वेबसाइट चला रहा था और पर्यटकों की ऑनलाइन बुकिंग करता था और आरोपी कान्हा नेशनल पार्क ऑनलाइन सफारी के नाम से फर्जी वेबसाइट के जरिए पर्यटकों की बुकिंग कराकर उन्हें ऑनलाइन ही वॉयस भेजा करता था, जिसके बाद उसे राशि एट लिया करता था, जिसकी भनक लगते ही पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अजय ने मोबाइल नंबर 8458892065 किसी से कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। वहीं पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 420, 477, 478, 471 के तहत मामला कायम किया गया। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, बैहर क्षेत्र में मुक्की में कान्हा नेशनल पार्क का एक हिस्सा पड़ता है, जिसमें जो सफारी और रुकने की रिसोर्स में रुकने के लिए लोग वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न होटलों को कॉन्टैक्ट करते हैं। इसी तारतम्य में सेरेनिटी के मिस्टर कृष्णन के द्वारा एक सूचना थाने पर दी गई कि उनके होटल के नाम से अजय कुमार गर्ग नामक व्यक्ति ने फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से पैसे लिए हैं। पैसे लेकर वो उसमें सफारी बुक कर रहे हैं और रुकने के लिए होटल में व्यवस्था की एक वाउचर वगैरह जो उनके सेरेनिटी का होटल वाउचर है वो उनको दिया जा रहा है। उस सूचना पर थाना बैहर में एक पता क्रमांक 95 420 467 468 471 कायम किया गया, जिसमें अजय कुमार गर्ग के नामक व्यक्ति के द्वारा धोखाधड़ी करना सामने आया। उक्त व्यक्ति जिला अनूपपुर में का रहने वाला है। टीम भेजकर जब तस्दीक की तो आरोपी वहाँ पर रहना पाएगा, जो उसको लेके आया तो उसने ये बताया कि वो पिछले 1.5 साल पहले कान्हा में काम करता था, होटल ग्रैंड पीपल में और अरण्यक में वो काम कर चुका है। इसी दौरान उसने लोगों से संपर्क किया था और रुकने के नाम पर उसने जो है लोगों से बुकिंग ली थी। क्योंकि वो 1.5 साल से यहाँ से जा चुका था तो उसने इसको जो है एक फर्जी रूप देकर नकली एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम कान्हा नेशनल पार्क ऑनलाइन सफारी के नाम से वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट पर जब लोग कॉन्टैक्ट करते थे तो उनको ये पैसे अपने खाते में जमा करवा लेता था, अपने रिश्तेदार के खाते में पैसे जमा कराता था और फर्जी सफारी और रुकने के लिए जो है वाउचर उनको प्रोवाइड करता था। अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें अजय गर्ग और एक सोनू शुक्ला नामक व्यक्ति है, दो व्यक्तियों के द्वारा फर्जी रूप से इस तरह की पदड़ी का काम किया गया है। लगभग इसने 1.5 से 2 लाख रुपए पिछले 1.5 साल में लोगों से ठग कर ठगी कर कमाए। अभी तक जो हमारे सामने आए हैं उसमें लगभग 9 से 10 लोग से पैसा लेना अभी तक सामने आया है। उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, सभी से संपर्क करके और जिनके द्वारा धोखाधड़ी हुई उनका आवेदन लेकर इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और आपके माध्यम से हम सभी जो कान्हा नेशनल पार्क में सफारी करने आते हैं, जितने भी टूरिस्ट हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं इस तरह से किसी भी फर्जी वेबसाइट के माध्यम से या किसी व्यक्ति के उसमें बहकाव में ना आए। आप ऑथराइज्ड होटल से संपर्क करें, उनके मैनेजर से संपर्क करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उस संबंध में आप थाना बैहर से भी संपर्क कर सकते हैं, परंतु किसी भी तरह से इस तरह से फर्जी लोगों से संपर्क में ना रहें, ऑथराइज लोगों के संपर्क में रहें। कान्हा नेशनल पार्क के अधिकारियों के नंबर है, कान्हा नेशनल पार्क में जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी है, उस पर संपर्क करें, एमपी टूरिज्म की उस पर संपर्क करें और उसके थ्रू अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।